जी नमस्कार सभी भाइयों को। तो आज हाजिर है अपनी नगौर वाली शॉप जो कि गैरेज है सोनी ऑटो गैस जो कि बीकानेर की एक ब्रांच है कार गैस किट। तो हाँ दोस्तों आज आपको हम दिखाते हैं, ये एक तो बार खड़ी है पीएच की है, इसमें तो नॉर्मल गैस किट है। तो हाँ दोस्तों अंदर से दिखाते हैं अर्टिगा जिसमें न्यू एलपीजी गैस किट लगाई है अभी हमने। RJ21 गुजरात नंबर गाड़ी है, 2022 मॉडल है ये। बैक लुक अर्टिगा गाड़ी का, नीचे से करियल वगैरह बढ़िया लगाया हुआ है भाई साहब ने। गोदारा JCB भी है सबके पास, नागौर में इनका बढ़िया JCB का कवर है। तो दोस्तों इसमें जो टैंकी लगी है वो लगी है 60 लीटर की ACPL, जो ICI हॉलमार्क होती है दोस्तों। ये इसका ICI हॉलमार्किंग है क्योंकि RTO अप्रूव करता है इस चीज़ को। तो दोस्तों ये बढ़िया एचेड बॉक्स लगा के, इसका मीटर सेंसर है जो पीछे गैस बताएगा जो कि अभी जीरो बता रहे हैं। गाड़ी अभी गेंद डलवाने जाएगी। ये 12 वोल्ट की हमने कॉइल लगाई है इस पर, इसकी पाइप है जिसको पूरा कवरिंग किया गया है बढ़िया। ये इसकी फिलिंग पाइप है जो बाहर निकाल के आप इसको गेंद डलवा सकते हो, जिस पर बढ़िया ढक्कन लगाया गया, ब्लैक कोई कचरा ना जाए या कोई स्मेल अंदर फील ना हो। इसका ढक्कन वापस से ऐसा लग गया है। तो दोस्तों अंदर से साइड लुकिंग गाड़ी की अर्टिगा, तो कि काफ़ी लंबी गाड़ी आ रही है अभी। दोस्तों इसमें जो LPG का स्विच लगाया वो लगाया हमने यहाँ, कोई भी डैशबोर्ड में अगर एक्स्ट्रा मोरा करके नहीं, जो कंपनी एक जगह छोड़ती है उसी ने इसका स्विच लगाया। ये इंटीरियर सिस्टम है गाड़ी का अंदर से जो कि काफ़ी बढ़िया रखा है। ये ऐसी सिस्टम SRS एयरबैग के साथ में कवरिंग, जो कि अभी पूरी पॉलीथीन भी नहीं उतरी है गाड़ी की। ये एक ब्रांड न्यू इको है, इसकी वीडियो भी हम आपको अभी दिखाएंगे दोस्तों। ये अर्टिगा का फ्रंट है, ये काफ़ी बढ़िया लुकिंग में आ रही है गाड़ी दोस्तों। इसका जो वेपोराइजर लगा है, रिड्यूसर बोलते हैं जिसको, इसको यहाँ लगाया गया है बढ़िया पत्तियों के साथ में अटैच करके, ताकि ये हिले ना वाइब्रेशन हो, क्योंकि लो फुल इटली कंपनी का है। इसमें भी आगे 12 वोल्ट की एक कॉइल लगाई हमने, इसके द्वारा ये फिल्टर है जिसको लोको द्वारा अटैच किया गया है। ये इसका मैप सेंसर है, इसके पीछे की जो जितनी भी पाइपें हैं जो हमने पीछे की तरफ दिए, इंजेक्टर रेल बोलते हैं जिसे, तो ये सब कुछ पीछे से लगा हुआ है इसका। ये इसका ACM सिस्टम है लो फुल इटली दोस्तों। इसमें भी हमने एक फ्यूज लगाया बैटरी पे, अगर कोई पानी के कारण या कुछ भी नुकसान ना हो गाड़ी पे तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, उसके कारण गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा नुकसान नहीं होगा। वायरिंग का इशू या ACM के कारण कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों लगभग Ertiga पूरी तैयार हो चुकी है, गेंद डलवाने जाएगी। ये इको ब्रांड न्यू इको है जो कि मात्र कल शोरूम से निकल के आई है। नंबर तो थोड़ा सर मात्र 7 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, जिसकी वीडियो भी आपको आगे अगली वीडियो में हम दिखाएंगे, जिसका काम अभी चल रहा है। ये सीट वगैरह बाहर निकाली हुई है इसकी, ये गैरेज अपना, ये होंडा सिटी है 2004 मॉडल। इसमें भी हमने गैस किट लगाया हुआ है जो कि बढ़िया चल रही है। दूसरा तो इसमें सीटें वगैरह निकाल रखी है, गेयर निकाल रखा है पूरा अभी, जो कि इको में गेयर निकालना पड़ता है पूरे फिटिंग करने के लिए। अभी इसकी वायरिंग है, जो वायरिंग चल रही है वायरिंग का कार्य है, जो कि अगली मात्र 7 किलोमीटर चली हुई है, बैटरी हटाई हुई है, नहीं तो अभी इसी वीडियो में आपको किलोमीटर भी दिखा देते हैं हम। ये इसका गैस सिस्टम है जो पीछे रख रखा है हमने। ये हमारे रोहित भाई है जो नीचे से वेपोराइजर कस के आए हैं। हाँ भाई रोहित भाई, कैसे है, कसा है वेपोराइजर? हाँ जी। तो हाँ दोस्तों अभी भी इसका को आगे से दिखाएंगे। तो हाँ दोस्तों अब अर्टिगा को भाई साहब को फ़ोन किया, वो आ रहे हैं जो गेंद डलवा के लाएंगे, फिर आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं इको की।